तरह से ये आ गया हूँ मैं मेरे रूम में। चलो दोस्तों बस इतना ही, और अभी आपके लिए चलता हूँ मैं अभी मेरे रूम पे, अभी मैं रूम पे जा रहा हूँ। चलो आपको तीन इमली का ब्रिज दिखा देता हूँ। अभी मैं तीन इमली ब्रिज पे हूँ और यहाँ ये मेरा बिस्तर इतना सा, और ये मेरा पढ़ने का है जहाँ पे पढ़ाई करा करता हूँ। ये लैपटॉप है, अभी लैपटॉप चल रहा है। हाय कटरा जी, कैसे हो? बढ़िया है। ये क्या नाम, संगीता जी है ना? संगीता जी, और बढ़िया बैठे हो? अपने गाडरा जी बैठे हैं। तो गाइस ऐसा है, यहाँ पर हम लोग बैठे रहते हैं और आप लोगों के बीच मनोरंजन करा करते हैं। तो चलो अभी मैं चलता हूँ रूम पे और आपको रूम पे दिखाता हूँ, रूम पे लिए चलता हूँ और वहाँ से आपको कहाँ ले जाऊँगा, मेरी साइकिल है, चलो मेरी साइकिल दिखाता हूँ और मैं साइकिल से जाऊँगा, साइकिल से इंदौर की यात्रा कराऊँगा आपको, ठीक है? साइकिल दिखाता हूँ। ये मेरी साइकिल खड़ी दोस्तों, ये जो दिख रही ना, ये मेरी साइकिल है, ऐसी खड़ी है, ये वाली साइकिल है, ऐसी मैंने लॉक कर रखी। तो अभी मैं आपको लिए चलता हूँ साइकिल से। ये दूसरे को भी खड़ी है और ये इधर दूसरों की गाड़ियाँ खड़ी है, इस तरह से ऊपर है, ये सारे स्टूडेंट इधर है और ये इधर रोड है यहाँ से, और दर्शन दर्श ऐसा है। तो अभी अपन चलते हैं दोस्तों, चलते हैं अभी अपन साइकिल लेके चलते हैं, आपको साइकिल से लिए चलता हूँ, ठीक है? साइकिल से लिए चलता हूँ, ब्लॉग में बना रहा ना, बहुत ही मज़ा आने वाला, शानदार, ठीक है? चलो चलते हैं। ये आ गया हूँ मैं नीचे और ये है साइकिल। इसका लॉक मैंने कैसा कर रखा है, यहाँ पे चोरियाँ हो जाती है साइकिल, तो मैंने इसका लॉक यहाँ से ऐसा डाल रखा, यहाँ से लॉक, ये है इसका लॉक, बांध रखी ऐसे, ये इस तरह से बांध रखी ऐसे, और इस ये ऐसे, ये इसको खोल दिया है मैंने और अभी चलते हैं। तेरा अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा अंधेरा 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 अंधेरा, और चलो साइकिल से जाते हो तेरा, चलो सामने का दिखा। ये मेरी साइकिल है, दोनों साइड घंटी है दोस्तों, इधर भी और इधर भी, ये वाली घंटी बहुत अजीब सी है, आपको दिखाता हूँ मैं ऐसे। ये तीन इमली का ब्रिज आ रहा है दोस्तों, तीन इमली का ब्रिज अभी चढ़ रहे हैं, अभी तीन इमली का ब्रिज, और यहाँ से आपको दिखाऊंगा मैं तीन इमली का ब्रिज, वो भी एक ही हाथ से चल रहा हूँ, देखो एक ही हाथ से वो ब्रिज चढ़ा दूंगा मैं। मेरी साइकिल क्या है कि बहुत ही अच्छी है, ज़्यादा वजन से नहीं चलती है, तो हाँ चढ़ गया लगभग मैं, ओ थकान आ गई है थोड़ी सी दोस्तों, थकान आ गई है। हाँ चलो आपको तीन इमली का ब्रिज दिखा देता हूँ, अभी मैं तीन इमली ब्रिज पे हूँ और देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ नज़ारा कैसा है, बेहतरीन वाला है इस तरह से। ये है मेरी साइकिल, देखो आपको घंटी दिखा रहा था, ये वाली घंटी है, ये देखो कैसे बज रही है, घुमाने में बजती है, और इधर भी है, इधर ये वाले है, ये वाली ऐसा इस तरह से। अभी मैं तीन इमली ब्रिज पे हूँ, चलो आपको मैं पीछे का व्यू दिखाता हूँ, पीछे से कैसा दिखता है तीन इमली का ब्रिज। चलो देखो वीडियो में बने रहना, छोड़ के मत जाना। ये जा रही है बस, ये शानदार, ये तीन इमली, इसे कहते तीन इमली, ये जो तीन इमली का पेड़ है इसे कहते, और ये कोई बस आ रही है बगलेश्वरी, बगलेश्वरी बस आ रही है इधर से, ये भोपाल बस स्टैंड है, तीन इमली बस स्टैंड और भोपाल बस स्टैंड कह सकते हैं आप, इधर से ये विशेष हॉस्पिटल है दोस्तों, विशेष हॉस्पिटल, ये इधर से गाड़ियाँ जा रही है और इधर से इस तरह से ये विशेष हॉस्पिटल है, ये तीन इमली है, गाड़ियाँ कितनी तेज आ रही है दोस्तों। ये इधर से तीन इमली ब्रिज है इस तरह से, ये तीन इमली का ब्रिज है दोस्तों इस तरह से, और ये है अपनी साइकिल, आपने देख सकते हो अपनी हीरोंडा A1 प्लस, इसका टायर बहुत ख़तरनाक है दोस्तों, इसका टायर ही बहुत महंगे और बहुत ही ख़तरनाक साइकिल है, ये रेसिंग साइकिल है दोस्तों, रेसिंग, और इसका देखो इधर से भी घंटी है, एक यहाँ से भी बजती है, ये थोड़ा ख़राब और लग रहा है, लेकिन ये कैसे बजती है देखो, ये इसको घुमाना पड़ता तो बजती है ये इस तरह से, और
ये इधर तीन इमली ब्रिज है और इधर से ये आ गया चितावाद और इधर से ये पूरा ब्रिज बना हुआ है इस तरह से, और ये उधर से गाड़ी आ रही है और इधर से इधर जा रही है ये इस तरह से, और बहुत ही शानदार बना हुआ है। और ये गाड़ी कितनी तेज़ आ रही है, इधर से ये आ रही है, इससे जा रही है ये इस तरह से। और मैं अभी मेरे रूम पे, अभी मैं रूम पे जा रहा हूँ तो वहीं से आपको दिखा देता हूँ कि रूम पे मैं रहता कहाँ हूँ। मेरे ये जस्ट पास में ही रहता हूँ। ये मेरी साइकिल है, देखो कितनी शानदार लग रही, बढ़िया लग रही ना। हालांकि गाड़ी भी है लेकिन गाड़ी में वो घूमने का मज़ा नहीं है जो साइकिल पे घूमने का मज़ा है। तो अभी क्या है कि मैं जा रहा हूँ तो रूम पे, तो सोचा आपको भी रूम दिखा देता हूँ, आपको भी रूम ले चलता हूँ, ऐसा ही छोटा सा ये रूम, चलो रूम पे लिए चलता हूँ। वो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट करते हैं कि आप भैया कहाँ रहते हो, हमको दिखा दीजिए आप कहाँ रहते हो, कैसा क्या, तो उनको भी दिखा देते हैं। और उनके लिए बेहतरीन वाला हो जाएगा कि कैसी स्टूडेंट की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसा क्या होता है। ये मैं साइकिल पे बैठ गया हूँ और अभी मैं चलता हूँ अपने को रूम पे, तो आपको रूम पे लिए चलता हूँ। ब्लॉग में बने रहने, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो चलो चलते हैं। वो भी रॉन्ग साइड से, सामने देखो, सामने गाड़ी आ रही है और मैं सामने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो दिखा देता हूँ आपको मैं। गली में पानी पानी हो गया है, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे इस तरह से जा रहा हूँ। गली आ गई पूरी, अंदर गली गली इस तरह से गली है ये। आ गया हूँ मैं, अभी ऊपर चलता हूँ, अभी ऊपर लिए चलता हूँ आपको ऊपर। ऊपर तीसरी मंजिल पे रहता हूँ मैं, तीसरी मंजिल पे, हाँ तीसरी मंजिल पे लिए चलता हूँ। ओ बाप रे, बहुत ऊपर चलना पड़ रहा है। ओ ये आ गया हूँ मैं, और इधर से ये पूरा गंदगी कर रखी। तो छोटा सा मेरा रूम, छोटा सा, देखो यहाँ पे मैं बैठा रहता हूँ, यहाँ ये मेरा बिस्तर इतना सा, और ये मेरा पढ़ने का है जहाँ पे पढ़ाई करा करता हूँ। ये लैपटॉप है, अभी लैपटॉप चल रहा है, देखो आपको दिखा देता हूँ चला के कहाँ गया। ये लैपटॉप, ये देखो, ये जो इसके पीछे जो ये इसके डिस्प्ले पे जो दिख रहे हैं, मेरे घर के सामने के जो ताड़ है, ताड़ी के पेड़, तो मैंने यहाँ पे लगा रखा, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसका वॉलपेपर लगा रखा। और इस तरह से मेरा लैपटॉप है, टाइपिंग होती है और जो भी है कुछ काम होता है। और इस तरह से ये छोटा सा मेरा किचन है, या मेरे बर्तन जमा रखे ये बहुत सारे, ये बर्तन, और ऊपर बहुत सारा सामान रख रखा है, ये पूरा बहुत सारे अंडे की कैरेट बहुत ज़्यादा, और इधर ये नीचे पूरे डब्बे रखे थे भैया, ये मैंने भर भर के रख रखे, पूरे आटा ख़त्म हो गया है, इन आटा भरा हुआ है, और ये पानी पीने का है। और इस तरह से छोटा सा आशियाना मेरा, बिल्कुल यहाँ मैं अक्सर यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करा करता हूँ, आपने देखा होगा ये इस तरह से। और ये लैपटॉप चल रहा है, मूवी देखना है तो मूवी देख सकते हैं आप, बस कुछ नहीं, बस इतना ही है, छोटा सा इधर कपड़े टंगे और इस तरह से। और बाहर का बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, बाहर का तरह से ये आ गया हूँ मैं मेरे रूम में, पूरा सामान वामान बिखर रखा है पूरा इस तरह से। और इधर ये बर्तन है, गैस है, ये पूरा गैस है, इस तरह से नीचे डब्बे रखे हुए, ये डब्बे रखे हुए, ये टंकी है छोटा सा, इधर पानी पीने का डब्बा है, इधर ये इस तरह से। और ये मैं दिख रहा हूँ, देखो आपको ये मैं दिख रहा हूँ, और इस तरह से बर्तन जाली ये है, ये मेरी घड़ी है, एक इधर भी घड़ी है, ये है इधर पूरा सामान कचरा भरा हुआ है, ये ऊपर पूरा कचरा भरा हुआ बहुत सारा, इधर कपड़े हैं गेट के पीछे कपड़े हैं, इधर टेबल, ये मेरी बुक स्टेशनरी वगैरह है, ज़्यादातर वहीं पे पड़ी है लेकिन ये कुछ कुछ पड़ी है, ये कुछ कुछ पड़ी है, लैपटॉप चल रहा है, ये अभी तो बंद पड़ा है शायद, इस तरह से ये चल गया ये बिल्कुल ये चल गया, देखो ये चल गया, इधर से कपड़े टंगे हुए, इतने से कपड़े भी है, ये छोटा सा बिस्तर मेरा जहाँ पे मैं सोता हूँ, इधर नीचे भी बहुत सारा सामान भर रखा मैंने इस तरह से। आप देख रहे हैं,
पास में, ये जो काफी बड़ा है और जो बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है। ओ रानी है मेरी, अनजानी है। ऐसा है दोस्तों, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अगर फिर से ये शब्द बोलूँगा आपसे, एक छोटी सी चीज़ चाहिए, छोटी सी मदद चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वीडियो अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के लिए प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे अपने परिवार में शामिल कर लीजिए। आपको मैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा। और एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या परेशानी होती है वो तो आप जानते हो। फिर भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँगा, बहुत सारे चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, अच्छी अच्छी जगह दिखाने की कोशिश करूँगा। और किसी दिन ब्लॉग नहीं ला पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि रोज़ ब्लॉग लेके आऊँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट जैसा भी हो कमेंट कर देना, और सभी दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना, और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर का बटन दबा देना। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सारे सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, स्टेटस या ग्रुप या इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पे सभी पे ये लिंक शेयर कर देना। आपके लिए बस आपका इतना छोटा सा काम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य होगा। और चलो मिलते हैं इसी के साथ और धमाकेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।